सीजीआई की इस तारीफ से सुलग गई ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसों की। मोदी की तारीफ में ऐसा क्या बोला कि छाती पीट रहे हैं लेफ्ट विंग वाले। सीजीआई चंद्रचूड ने खुले मंच पर की मोदी सरकार की तारीफ। मोदी सरकार के तीन कदमों की कर दी खुलेआम तारीफ। मोदी सरकार के कई निर्णयों पर सख्त रुख रखने वाले सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ उन लोगों के तन बदन में आग लगना तय है जो मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ अक्सर जहर उगलते रहते हैं। जी हाँ, दरअसल चंद्रचूड ने मोदी सरकार के तीन कदमों की खुले मंच से तारीफ की है। चलिए आपको बताते हैं वो ऐसे कौन से तीन कदम हैं जिसकी चंद्रचूड तारीफ कर रहे हैं। दरअसल 17वीं लोकसभा के दौरान तीन अहम कानून संसद द्वारा पारित किए गए थे जिसमें सीआरपीसी आईपीसी से लेकर एविडेंस एक्ट खत्म कर तीन नए कानून पेश किए गए। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा पेश किए गए नए कानूनों को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तीन नए कानून समाज के लिए बेहद ही जरूरी है। देश न्याय प्रणाली में ऐसे बदलावों के लिए तैयार भी है। सीजीआई चंद्रचूड ने कहा कि इन तीन नए कानूनों से भारतीय समाज में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि नए कानून भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव लाएंगे और पीड़ित पर भी ध्यान दिया जाएगा। सीजीआई ने कहा कि पुराने कानून की सबसे बड़ी खामी उनका बहुत पुराना होना था। वो कानून 1860-1873 से चले आ रहे थे। सीजीआई ने आगे कहा कि नए कानूनों का संसद से पारित होना इस बात का साफ संदेश है कि भारत बदल रहा है। हमें मौजूदा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पुराने तरीकों की सबसे बड़ी खामी पीड़ित पर ध्यान ना दिया जाना था। नए कानून में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अभियोजन और जांच कुशलता से हो सके। इसके साथ पीड़ित के हितों का भी ध्यान रखा गया। छापेमारी के दौरान साक्ष्यों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अभियोजन पक्ष के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सीजीआई ने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में 7000 करोड़ रुपए का बजट न्यायपालिका के लिए आवंटित किया है जिसका इस्तेमाल अदालतों के अपग्रेडेशन में किया जा रहा है। सीजीआई ने कहा कि नवंबर और 31 मार्च के बीच 850 करोड़ रुपए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में खर्च किए गए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड की गई इस तारीफ के बाद जाहिर सी बात है उन लोगों को परेशानी होगी जो अक्सर हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो सीजीआई के द्वारा की गई मोदी सरकार की इस तारीफ को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।